नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा में सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जब्त किए गए 12 किलो आरडीएक्स मामले में गिरफ्तार तीन आतंकियों की सूचना सुरक्षा एजेंसी एटीएस को दी गई, जिस पर जयपुर और उदयपुर से एटीएस की टीम देर रात निम्बा हेड़ा पहुंची। मामले के बारे में पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से आतंकियों को 8 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सदर निम्बाड़ा थाना क्षेत्र में जो वाहनों की आकस्मिक चेकिंग और नाकाबंदी चल रही थी, उसके दौरान सुंदरपाल हेड कांस्टेबल, प्रमोद कुमार कांस्टेबल, नरेश कुमार कांस्टेबल और हरविंदर सिंह कांस्टेबल, मैं ड्राइवर देवीलाल की इनकी टीम ने एक संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली, तो तीन व्यक्ति जो बहुत ही संदिग्ध उनका आचरण था और उनके पास से 12 किलो एक्सप्लोजिव्स प्लस टाइमर डिवाइस और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मिली। इनसे जब पूछताछ की तो काफ़ी संदिग्ध था। SHO तुलसीराम के निर्देशन में पूरी इनसे पूछताछ की गई और तत्पश्चात एक्सप्लोजिव एक्ट और विधि विराम विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये अपने आप को जितनी जानकारी सामने आई गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई उसमें, उसके अनुसार ये अपने आप को अलसुफा संगठन से संबंधित बताते हैं। रतलाम के रहने वाले हैं तीनों के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास, मारपीट और इनके मुकदमे दर्ज हैं। और इनके पास जो सामग्री मिले, इनका कहना है कि जयपुर के पास किसी पर्टिकुलर जगह पे इनको इस सामग्री को सौंपना था और वहाँ की लोकेशन इनको अपने जहाँ जिन्होंने इनको भेजा था उनके साथ शेयर करनी थी। कोटा में भरतपुर की ACB टीम ने रेलवे के अधिकारी वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि रिश्वत की रकम अपने ही विभाग के कर्मचारी की चार्ज शीट के सेटलमेंट के बदले ली गई थी। जानकारी के अनुसार भरतपुर स्टेशन पर तैनात रेलवे के कैटरिंग इंस्पेक्टर को चार्ज शीट दी गई। वहीं चार्ज शीट मामले में सेटलमेंट कराने के बदले 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने भरतपुर ACB से की। इस पर ACB ने मामले का सत्यापन किया और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। चार्जशीट दी गई थी और उस चार्जशीट को फाइल करने के लिए दलाल के माध्यम से इन्होंने 20,000 रुपये दिए थे। आज VRM ऑफिस में ही आरोपी अजय पाल और इनके दलाल महेश को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है ACB भरतपुर। ये परिवादी हमारे पास 2 दिन पहले आया था और क्योंकि ये भरतपुर ही पदस्थापित था और इसने हमें शिकायत दी, शिकायत का हमने सत्यापन कराया और आगे अग्रिम कार्रवाई आगे रिश्वत। किशनगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा की केंद्र सरकार पिछले 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में निरंतर इजाफा कर रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की भी कीमतें बढ़ा दी गई है, जिससे आमजन के घर का बजट बिगड़ गया है। बढ़ती महंगाई पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से कीमतों में राहत देने की मांग की गई। राजसमंद के केलवाड़ा में बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम की कीमतों में आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में गैस सिलेंडर लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोरोना संक्रमण के कारण देश में हुए हालात के बाद आम आदमी की आर्थिक स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। ऐसे में केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। खिंसर के टांकला टोल प्लाजा पर एक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। हादसे में ट्रक खलासी की मौत हो गई और ट्रक चालक घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खलासी और ट्रक ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला। वहीं मृतक का शव CHC की मोर्चरी में रखवाया गया। साथ ही ट्रक चालक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। भीनमाल पुलिस ने भादरडा गांव में एक व्यक्ति पर रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार भादरडा निवासी उत्तम सिंह ने 23 मार्च को रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसने उच्च न्यायालय में जनहित पहाड़ी से पत्थर खनन को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी रंजिश को लेकर उस पर बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए आरोपियों ने लाठियों और सरियों से मारपीट कर जानलेवा हमला किया, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जानलेवा हमला कर मारपीट करना स्वीकार किया है। नैनवा के गुड्डा देवजी गांव में देर रात कूलर बनाने के कारखाने में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कारखाने में रखे लाखों रुपए के कूलर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि आग लगने के कारण अभी अज्ञात है,
लेकिन कारखाने में प्लास्टिक के कूलर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान होने से कुछ ही देर में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिस पर नैनवा दमकल ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। नैनवा कस्बे में लोगों ने किसान की जेब काटने के शक पर दो संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार नैनवा कस्बे के उनियारा चौराहे पर किसान बाबूलाल दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए खड़ा था। इसी दौरान दो संदिग्ध युवकों ने किसान की जेब से पैसे निकालकर किसान के करीब 8,000 रुपए नीचे पटक दिए। वहीं पास के दुकानदार ने संदिग्ध युवकों पर शक होने पर किसान को जानकारी दी। किसान की जेब चेक करने पर जेब से पैसे गायब मिले। इस पर मौजूद लोगों ने दोनों संदिग्ध युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बैरोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी आशुतोष यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 27 फरवरी को पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट पेश की थी कि आशुतोष यादव पीड़िता को प्लाट के रुपए दिलवाने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठा कर उसके घर छोड़ने गया और चाय पीने के बहाने अकेली देखकर जबरदस्ती दुष्कर्म कर दिया। रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने कार्रवाई कर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।